तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा सातवीं की विज्ञान के बारे में। इसमें पहला चैप्टर है हमारा पादपों में पोषण। याद रखिए, मैं बार बार यही बोलता आया हूँ, इसे कहानी की तरह पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। कक्षा छठवीं में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। बात करते हैं पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव क्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। इन्हीं ये स्वपोषण हो गया या यहाँ पोषण हो गया, इन्हीं शब्दों की परिभाषा बताने के लिए हमें इस कहानी को गढ़ा गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे से एक बार पढ़ते हैं तो मैं मानता हूँ कि 90 से 95% आपके कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, ऐसे पदार्थों को स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम लोग विषमपोषी कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश में से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियां अब तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इन सभी को जानने की कोशिश करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का क्रम है। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पक्षियों की जो पत्तियां हैं वो खाद्य फैक्ट्रियां हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने के लिए चाहिए मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जिस प्रकार हमारे में धमनियां होती हैं, धमनियां हमारे खनिज लवणों जो भी हमारे लिए जरूरी होते हैं उन सभी को सभी जगह तक पहुंचाती हैं। इसी तरह पेड़ों में आपकी मूल जड़ें होती हैं, जड़ें उसी तरह धमनियों की तरह ही होती हैं, नसों की तरह, ठीक है, वही काम करती हैं लगभग। तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है या रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती हैं। इस प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका इसमें भरा हुआ कोशिका द्रव और ये आपका कोशिका झिल्ली बाहर से।
ये आपकी कोशिका की एक आहले चित्त, ठीक है। आगे बात करते हैं जल, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़ तना शाखाएं शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थ के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, क्या कहते हैं उसे? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय विक्रम है, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। सभी जीवों के लिए सौर ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। अब आपने देखा होगा कि जब वृक्ष के जो भी पादप होते हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप लोग छोड़ते हैं उसका यूज करते हैं बोलो, तो अगर वो प्रभावित होगा तो हर मानव कोई भी प्राणी हो उससे बराबर होगा, प्रभावित होगा, नॉर्मल की बात है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के लिए के दौरान निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस विक्रम को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनाता है। इस विक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण क्रिया विक्रम में संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाती हुई इस पत्री में, यह आपकी रंधी द्वार हो गया, यह आपका कोशिका द्वार हो गया, यह आपकी पत्ती हो गई, ठीक है। द्वार कोशिकाएं, रंध, क्लोरोफिल, यह आ रहा है आपका सूर्य, देखिए पत्ती पर, या कार्बन डाइऑक्साइड फिर ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जल और खनिज इन्हें जड़ से मिल रहे हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरे शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सरल अथवा सोल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। एक ही प्रकार की पादपों को दो गमले लीजिए, एक को अंधकार में 72 घंटे के लिए रखिए, यानी कि अंधेरे में रखिए, दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आप कक्षा 6वीं में करते थे। अपने अवलोकन को नोट कीजिए, आप उस गमले को जिसे आप अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः उसकी पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण नोटबुक में लिखें, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग की पत्तियों में
भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अंडवर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाबों अथवा ठहरे हुए जलाशयों में हरे अवपंकी काई जैसी पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें हम लोग शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैवाल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये आपके विभिन्न रंगों की पत्तियां हो गई। बात करते हैं पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण विक्रम द्वारा पादपों यानी कि पौधों कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट तीन घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ जिसमें कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अतिरिक्त आपका नाइट्रोजन भी होता है। प्रोटीन में क्या क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके अतिरिक्त आपका नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है आखिर? याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों को कि नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। बात करते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। वे भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं उन्हें जानते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल इस तरह, देखिए ये क्या है, अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। क्या आपने ऐसे पादपों देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। पादपों को देखिए चित्र 1.6 में, इसमें घट में रूपांतरित पत्ती, ये ढक्कन हो गया, जैसे कीट इसके अंदर जाता है बंद हो जाता है। इसके घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलकते रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों
रोमों के बीच फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाइट टैप और सन डिव कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण इन्हें याद रखना है, ठीक है। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? अब हम लोग बात करते हैं मृत जीवी। आपने बाजार में छत्र मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियां अथवा तनों या छाल पर छादे के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहां से प्राप्त करते हैं। यह है आपका मशरूम, ब्रेड, इसका एक देसी नाम है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे। ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो लें। इसे किस नाम नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। इस तरह से देखा होगा आपने। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीव कवक या फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण बिलेयर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस बिलेयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं, ठीक है। कवक फंजाई अचार चमड़े कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन पदार्थ स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। सामान्यतः कवकों के जीव बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जीव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बात करते हैं कुछ। पहली ने बताया कि ईस्ट छत्तर जैसी अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों जंतुओं एवं मनुष्य रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी करते हैं लोग। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ऐसे हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों की अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले जीवों में 2 भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा आपका कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवकों को देता है।
बात करते हैं मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती। क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लोन एवं गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे इन मृदा में क्या मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है, इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादपों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं। जैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को बिलेरूम में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं अथवा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलेदार पादपों से प्राप्त होते हैं, इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व होता है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह नहीं दाल के फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्न पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे परजीवी एवं मृदजीवी। परजीवी एवं मृदजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप या फिर अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीट, पक्षी, पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? इसमें हम लोगों ने इस अध्याय में जाना है, स्वपोषी को भी देखा है, क्लोरोफिल को देखा है, विषमपोषी को देखा है, परपोषी को, कीट भक्षी पादप को देखा है, पोषक को देखा है, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध, सहजीवी, संबंध, कवक। याद रखिए हमें इन्हीं शब्दों की जो ये शब्द दिए गए इन्हें हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम अध्याय पढ़ते हैं लास्ट में इनकी परिभाषा या हमें समझ में आता है कि ये शब्द का मतलब क्या है आके, तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर। अगर इन शब्दों की आप लोग परिभाषित नहीं कर पाते हैं तो एक बार और चैप्टर को पढ़िए, ठीक है? मेरा मानना है कि आपको आ जाएगा समझ। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा है? सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। हरे पादप विकास संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपनी खाद स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्रियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविका के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषक मृत एवं अवघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं।
अमर बैल जैसे पादप परजीवी बेपरपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात विषमपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। ये आपके कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें लगा लेना। याद रखिए, आपकी टेलीग्राम पर PDF डाल दी जाएगी, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना है। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, एक बार दो बार आप लोग पढ़ के निकल जाइए, आराम से आपका जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हो जाएंगे, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो चलिए, ये था आपका पहला चैप्टर, पादपों में पोषण। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्राणियों में पोषण।